सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का सिनेमैटिक येलो टोन अप्लाई कर सकते हो अपने फोटो में लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। तो अगर आपको भी सीखना है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है बिना एडिटिंग वाला। और इसे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाना है कर्व्स वाले ऑप्शन पे। तो इसके लिए यहाँ पे येलो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो कर्व वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और जो ऊपर वाला डॉट है इसे आपको लेके जाना है लेफ्ट के साइड और जो नीचे वाला डॉट है इसे आपको लेके जाना है राइट के साइड। ऊपर वाला हाईलाइट्स का है और नीचे वाला शेडो का है। तो कुछ इस तरह से करने से यहाँ पे कॉन्ट्रास्टेड लुक आ जाएगा आपके फोटो में। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू कलर को सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सा नीचे करना है जिससे देख सकते हो यहाँ पे येलो टोन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लगभग इतना और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो मेरा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पे हाईलाइट्स को डिक्रीज़ करेंगे, फिर शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ और ब्लैक्स को डिक्रीज़ करके यहाँ पे व्हाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है देख सकते हो। नेक्स्ट हमें इसके नीचे वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे जो ग्रेडिएंट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थर्ड वाले सर्किल पर क्लिक कर देना और अब हाईलाइट्स के पास जो एरो है इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर जो सैचुरेशन है इसे आपको रख लेना 100 पे। ह्यू को यहाँ पर रख लेना है आपको येलो के पास, मतलब 50% के आसपास रख लेना ह्यू। तो ये सही है। नेक्स्ट आपको सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर देना है, जितना आपको येलो टोन चाहिए उसके हिसाब से रख लेना। मैं यहाँ पर 35% के आसपास रख लेता हूँ। फिर आपको लुमेंस को डिक्रीज़ कर देना ताकि थोड़ा सा फेड टाइप का लुक आए। तो इतना काफ़ी है और ये हो जाने के बाद यहाँ से डन। नेक्स्ट आपको इसके नीचे वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे फोटो क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ और विनेट को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना। मैं यहाँ पे 10% के आसपास रख लेता हूँ डीएस को। नेक्स्ट वापस से आपको ऊपर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पे मिक्स टूल पर जाना है और यहाँ पे ब्लू कलर के सैचुरेशन आपको डिक्रीज़ कर देना है, सीएन का भी डिक्रीज़ कर देना और ग्रीन का भी डिक्रीज़ कर देना। इन तीनों के सैचुरेशन को डिक्रीज़ करने के बाद आपको येलो टोन पर जाना है और इसके यहाँ पे जो सैचुरेशन इंक्रीज़ करके लुमेंस को डिक्रीज़ कर देना और ह्यू का रख लेना थोड़ा सा माइनस के साइड। नेक्स्ट आपको ऑरेंज के लुमेंस को बढ़ाना है जिससे आपका फेस ब्राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ह्यू है अपने टोन के हिसाब से रख लेना, स्किन टोन के हिसाब से। मैं -15 रख के यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वाइब्रेंस को 10% के आसपास इंक्रीज़ कर लेना है और टिंट को जो है माइनस के साइड रख लेना। यहाँ पे -11 रख लेता हूँ और ये हो जाने के इसके नीचे वाले टूल पर जाना और थोड़ा सा यहाँ पे डीएस को माइनस के साइड रखना, -7 काफ़ी है। और यहाँ पे टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि फोटो में टेक्सचर आ जाए हमारा थोड़ा सा 30% के आसपास सही है। ये हो जाने के बाद आपके मुझे फर्स्ट वाला आइकॉन है सिलेक्टिव होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक कर देना। फिर आपको थोड़ा सा स्वाइप करना है और यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना। फिर इस वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है, इतना काफ़ी है। ये हो जाने के सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देना। फिर यहाँ पे इसके नीचे वाला ऑप्शन पर जाकर डीएस को डिक्रीज़ कर देना जिससे वाला पार्ट यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर टिंट और सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ और डीएस को थोड़ा सा और डिक्रीज़ करके यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो देख सकते हो ये हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम वाला आइकॉन पे जाके थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे फिर से और उसके बाद आपके यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में चल जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे विंटेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे कौन सा भी फिल्टर यूज़ कर सकते हो जिससे आपका फोटो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगेगा। तो मुझे यहाँ पे विंटेज 1 काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके यहाँ पे जो अमाउंट है आपको ज़्यादा नहीं रखना है, मैं यहाँ पे बस रख लेता हूँ इसे 25% के आसपास और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है देख सकते हो, बिफोर वाला पिक और ये देख सकते हो आफ्टर वाला पिक। इसका सिंपली आपको शेयर वाला आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।